की बड़ी खबर बता दें कि तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिरह जारी है। हलाला और बहुविवाह पर भी अब सुनवाई होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ट्रिपल तलाक के बाद दोनों मुद्दों पर यह सुनवाई होगी, बहुविवाह और हलाला। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिर्फ तीन तलाक के मुद्दे पर ही इस समय जिरह की जाएगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पीठ के पास अब सीमित समय था, तब यह कहा गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो तीनों मामले पर सुनवाई करेगा। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कहां तक पहुंची है ये जिरह? आज केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना था कोर्ट में। देखिए, पिछली बार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो केवल ट्रिपल तलाक मामले को लेकर सुनवाई करेगी, क्योंकि उनके सामने केवल ट्रिपल तलाक है। आज जब केंद्र सरकार की तरफ से बहस की शुरुआत हुई और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप एक मुद्दे को केवल कैसे सुन सकते हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष तीनों मुद्दे हैं, यानी ट्रिपल तलाक भी है, हलाला भी है, बहुविवाह भी है। ऐसे में संवैधानिक पीठ को तीनों मुद्दों को सुनना होगा। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केहर, जो इस संवैधानिक पीठ की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लिमिटेड समय है, इसलिए हम ट्रिपल तलाक मामले की ही सुनवाई करेंगे। तब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर केवल इस संवैधानिक पीठ में, जो केवल छह दिनों के लिए बैठ रही है, अगर उसमें केवल ट्रिपल तलाक पर सुनवाई करेंगे तो दो इशू यानी हलाला और बहुविवाह को आप पेंडिंग रखिए यानी लंबित रखिए, और अगली संवैधानिक पीठ में इन दोनों मुद्दों को भी आप शामिल करिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इन दोनों मुद्दों को यानी बहुविवाह और हलाला, इन दोनों मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बहस की शुरुआत की और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं वो रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं यानी जो सेकुलर मुल्क हैं, उनमें रिफॉर्म नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष आप, की इतने सारे मुस्लिम देशों में जब तीन तलाक को वैध नहीं माना गया है तो आखिर भारत में क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।